फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर 6, ठीक है, क्लास 7 आज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज में क्या है, क्या आपको पता है कि कोई भी जो केमिकल या फिजिकल चेंज है खुद ब खुद तो हो नहीं सकते, कोई ना कोई बाहरी से कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, या तो उसको हीट मिलेगा या कोई ना कोई बैक्टीरिया लगेगा जिसके चलते वो होगा। देखते हैं, जो वीडियो बनाऊंगा रात तक है ना, मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, 7th क्लास के ग्रुप पे बेटा, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा। अब जो चेंजेज होती है वो कितने तरह की होती है, दो ही तरह की होती है। कौन कौन सी चेंजेज होगी भाई, या तो फिजिकल चेंज होगी और नहीं तो केमिकल चेंज होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है, दो तरह की चेंज होगी, फिजिकल और नहीं तो केमिकल। प्रतीक्षा सुन रही है ना, तो अब ये दोनों चेंज कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या, मैंने इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाया था लेकिन फिर से पढ़ा रहे हैं। तो फिजिकल चेंज के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे बेटा। फिजिकल चेंज का मतलब ये हो गया कि ऐसी चेंज, ठीक है, जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती। जैसे अगर मान लो बर्फ पिघलता, आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हो जाए, वो बर्फ पानी में बदल जाए। अरे इस पार्ट वन का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्या? अगर आइस बर्फ में, आइस वाटर में बदल जाए पिघल करके, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर बर्फ किससे बनता है, पानी से ही तो बनता है। बर्फ के पिघलने से जब वाटर बना, कोई नई चीज नहीं बनी। और वही पानी को जब आइस ट्रे में करके फ्रीजर में रख दो, जमा दो, तो उसे बर्फ बन जाता है, तब भी कोई चीज नहीं, नई चीज तो बनी नहीं। तो ऐसे चेंज जिसमें कोई नई चीज ना बने उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे, ठीक है, पहली बात। और इसमें एक चीज और है, ये रिवर्सिबल होती है, मतलब कि दोबारा हम उसको पहले वाले फॉर्म में या पहले वाले प्रकार में बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं, मान लो कि सपोज दैट, देखिए, अगर आप लोगों को क्या मन करे कि आप आइस जो है उसको वाटर में बदल दें, ठीक है, हम बदल दिया भाई आइस को, हम लोगों ने वाटर में बदल दिया, ये आइस था हमने उसको वाटर में बदल दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स में पिघलने के बाद। फिर चाहेंगे तो पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, कैसे, फ्रीजर में डाल के, वेरी गुड। पानी को फिर बेटा हम क्या करेंगे, फ्रीजर में डाल देंगे, बर्फ बन जाएगा। तो ऐसी चेंज जिसमें पहली बात की कोई नई चीज ना बने, दूसरा कंडीशन क्या कि उसको फिर से दोबारा पहले वाले रूप में बदला जा सके, मतलब रिवर्सिबल, रिवर्स हो सके, रिवर्स ही तो बात हो रही है ना, कि पहले वाले चेंज, पहला जो चेंज हुआ उसे कोई नई चीज नहीं बनी और फिर जो था उसे रिवर्स हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इसके मैं और भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बेटा अगर आप मान लो कोई पेपर है, ठीक है, अगर पेपर को आप फाड़ते हो, टुकड़े टुकड़े कर दो, तो क्या दूसरी चीज बनेगी? पेपर को फाड़ के टुकड़े टुकड़े करेंगे, फोल्ड करो या रैप करो, पेपर ही तो पेपर ही रहेगा। और चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसको चिपका करके, जोड़ करके एक हम बड़ा सा हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये टेम्पररी चेंज होता है, फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए टेम्पररी चेंज कहते हैं, क्योंकि हम इसको दोबारा बदल के इसको पहले वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। अब पहले वाले फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, खुद सोचो, आइस था पानी बन गया, उससे वाटर बन गया, फिर वाटर को आइस में बदल सकते हैं, तो थोड़ी ही देर के लिए बना ना, टेम्पररी है, समझ रहे हैं ना, अस्थाई, समझ में आ रहा है, नहीं है? मतलब कि फिजिकल चेंज को टेम्पररी चेंज कहते हैं, मतलब ऐसा चेंज जो थोड़े समय के लिए होता है। आइस बर्फ में आवाज नहीं जा रही मेरी क्या? मतलब कि आइस पानी में बदलेगा तो थोड़ी देर के लिए पानी में रहेगा, फिर जैसे ही इसको फ्रीजर में डालेंगे तो फिर वो आइस ही बन जाएगा। तो हमेशा के लिए तो पानी नहीं रहा ना, कभी ना कभी वो पानी तो बर्फ बन सकता है, ठीक है। तो जो चेंज टेम्पररी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आप देखो, अगर मान लो कोई कपड़ा है, आप उसको कट करते हो, उसके टुकड़े हो गए, कोई नई चीज नहीं बनी, और चाहोगे तो फिर उस कपड़े को जोड़ करके क्या होता है, दर्जी के पास जाते, टेलर के पास, तो उसको कट करके टुकड़े कर देता है, बाजू अलग बना देगा, पांव अलग बना देगा, ड्रेस बना देता है टेलर, ठीक है ना। तो उससे भी तो एक कोई नई चीज तो बनी नहीं, कपड़े का तो कपड़ा ही बनाया ना आपने। तो जब कभी भी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें है भी,
तो आप देख सकते हो कोई भी चीज जो होती है जिससे के जिससे कोई नई चीज नहीं बनती, कभी भी चेंज होने से कोई नया चीज ना बने तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और जब कोई नई चीज बन जाए तब वो केमिकल चेंज होता है। हम आएंगे अभी तो फिजिकल पे हैं, ठीक है। और जब भी फिजिकल चेंज होता है तो थोड़ी सी हीट या एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। वेरी लिटल एनर्जी और हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन फिजिकल चेंज। इसमें थोड़ी सी हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। पेपर को आप फाड़ोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगाओगे ना फाड़ने के लिए, काटने के लिए थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी ना, कैंची को, सीजर को, या आपको, ठीक है। और अगर बर्फ बेटा अगर वाटर में बदल रहा है या वाटर बर्फ में बदल रही है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ी एनर्जी चाहिए। जैसे हीट मिलेगा तभी तो बर्फ पानी बनेगा, बात समझ रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैं फिजिकल चेंज के कुछ आपको एग्जांपल्स गिनवा देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर ध्यान नहीं रहेगा कुछ सीख नहीं पाएगी, ठीक है। और ना समझ में आए तो पूछती जा। यहां तक बताया कुछ समझ में आया? फिजिकल चेंज क्या होता है प्रतीक्षा, बताओ। ठीक है, तुम बताओ फिजिकल चेंज क्या होता है, बोलो। मतलब फिजिकल चेंज का मतलब कि उससे कोई नई चीज नहीं बनती और उसको रिवर्स कर सकते हैं, बदल करके फिर वही चीज बना सकते हैं, ये बोलना है आपको, ठीक है ना। आया समझ में? हाँ, अभी भी नहीं? कोई नई चीज बनी क्या? नहीं बनी ना, वही चीज रह गई। हाँ बोल रही थी ना, समझ में आ गया ना। तो ऐसे मुंडी करती कहती हाँ, तो इसका मतलब तो ना होता है। चल देख बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के नेम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। जैसे देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर पानी को जमाना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ को पिघलाना, ठीक है, ये फिजिकल चेंज ही तो है क्योंकि नई चीज कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, पानी का जो भाप है ना ऊपर जाए, देखो क्या होता है, जो बर्फ है सॉरी पानी है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस पे क्या होता है, भाप बनता है और ऊपर उठ करके फिर बादल बना देता है, ये तो पता है ना, बचपन में पढ़ रखा होगा। और फिर बादल से क्या होता है, फिर वो कंडेंसेशन होता है, संघनन, और उसके बाद फिर से बारिश की बूंदे जमीन पे आ जाती है, वो पानी जमीन पे आ जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर भी एक कोई अलग तरह की चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखते, कटिंग ऑफ क्लोथ कपड़े को काटना, ब्रेकिंग ऑफ चॉक स्टिक, जो चॉक की डंडी नहीं होती, चॉक जिसे लिखते हैं बोर्ड पे, अगर वो टूट जाए या टुकड़े टुकड़े हो जाए तो उसमें भी कोई नई चीज नहीं बनेगी। चॉक के टूटने से चौकी तो बनेगा, चॉक के टूटने से चॉकलेट तो बन नहीं सकता, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इन टू चॉक डस्ट, अगर मान लो चॉक स्टिक है उसके चूरा बना दो तो उसका डस्ट हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप खुद सोचो ऐसा होगा क्या कि उससे उसके पाउडर से आप कोई क्या कहते हैं टेलकम पाउडर बन जाए मुंह में लगाने वाला, या घी बन जाए, या पेड़ा बन जाए, ऐसा तो नहीं बन सकता। चौक को अगर तोड़ेंगे तो चौक डस्ट ही बनेगा, सेम ही चीज बनेगी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, आप में इसमें एग्जाम्पल है, मैं नोट्स भेज दिया है मैंने पूरा बुक की, आप उसको पढ़ना, रीड करना ध्यान से। मेल्टिंग ऑफ, अब मैं एक एक एग्जाम्पल अच्छे से समझा देता हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब बर्फ पिघलता है तो वाटर बनता है, आइस मेल्ट होती है तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और जब वाटर फ्रीज होगी मतलब कि जम जाएगी तो फिर आइस ही बनाएगी, ठीक है ना। इसमें भी कोई नई चीज नहीं बनी, तो इसका क्या मतलब, ये किस चीज का एग्जांपल है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, ठीक है, ओके। उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, पानी जब बॉयल होता है, उबलता है, पानी जब भी उबलेगा तो भाप बन करके ऊपर उठेगा, और किसी पतीले के का ढक्कन देखा होगा ना आपने, ढक्कन उसके ऊपर बूंद बूंद सी लग जाती है अगर ढक दो तो आप, और फिर वो बूंद नीचे गिर जाती है ना। तो किसी पानी का उबलना और कंडेंसेशन होना, उस भाप का मतलब कि फिर पानी में बदल जाना, ये क्या होता है, फिजिकल चेंज ही तो है। पानी ही उबल के ऊपर गया भाप बनकर, भाप ही फिर पानी बनकर के नीचे आ गया, जैसे बारिश का बताया था मैंने, ठीक है। एक सेकेंड में जरा ऑक्सीजन बाहर से ले लो, मेरे घुटन होने लगे, एक सेकेंड।
तो हमने फिजिकल चेंज तो समझ लिया, ठीक है, फिजिकल चेंज समझ में आया, ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन कुछ करना हो, डाउट्स हो तो हाथ ऊपर कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको डाउट्स है, फिर से मैं रिकैप करा दूंगा, ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, पानी का उबलना और फिर भाप का ठंडा होकर के पानी की बूंद में ही बदल जाना, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें ना तो कोई नई चीज बनी और फिर वो चीज रिवर्स हो गई, दोबारा उसी में बदल गई, ठीक ठीक अब उसके बाद देख सकते हैं हम लोग मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मान लो द डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर टू मेक सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज, सिमिलरली डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। पानी में बेटा अगर नमक को घोलते हैं ना तो उसको भी फिजिकल चेंज कहें, क्योंकि नई चीज तो भी नहीं बनी, पानी तो पानी ही रहा, ठीक है, और चीनी को भी घोलेंगे तो पानी ही रहेगा। उसके बाद हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करेंगे, जब पानी को गर्म करेंगे ना तो चीनी के दाने हमको मिल जाएंगे, और जब एक बार गर्म करेंगे दोबारा पानी को अगर नमक अलग करना हो तो पानी भाप बन के पूरा उड़ जाएगा, नमक नीचे मिल जाएगा हमको, तो कोई नई चीज नहीं बनी ना, और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो पानी आपने भाप बना करके बॉयल करके ऊपर उड़ा दिया, वाटर वेपर बन गया, उसको कहीं स्टोर कर लो तो उससे पूरा वाटर भी बना सकते हो। तो चीनी का घोल हो या नमक का घोल हो, साल्ट सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, हम उससे चाहे तो फिर उनको रिवर्स करके पहले ही रूप में कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ना समझ में आए तो कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, जब तक समझ में आए कोई चिंता नहीं है, अभी तो क्लास स्टार्ट हो रही है ना अब, लेकिन अब्सेंट मत होना, समझ रही हो? अब्सेंट हो जाओगे तो फिर दिक्कत होगा, दोबारा मैं रिकैप नहीं करा पाऊंगा। अब ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, ग्लास का कोई बर्तन होता है ना, कांच का कोई बोतल वोटल सा हमारे पास होता है, अगर मान लो गिर के टूट जाए, अब गिर के टूटेगा तो जो उसके टुकड़े होंगे वो भी तो कांच के होंगे, किसी दूसरे चीज के तो नहीं होंगे, और हम चाहें तो जोड़ करके फिर उनको पिघला करके फिर उसी तरह कांच का एक बोतल बना सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। समझ में आया बेटा आप लोग को? ग्लास का कोई भी बर्तन, कांच का कोई भी चीज अगर टूट जाए तो फिर उससे क्या होगा, कांच की, वो कांच में ही बदलेगा और उसे कांच की ही चीज मिलेगी, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज ही कहेंगे, ठीक है ना। अब हीटिंग एंड अ हैक्सो ब्लेड, देखिए क्या होता है, जो लोहा, बेटा उसको ठीक करो, लोहा काटने वाला जो ब्लेड होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी ने कभी, हाँ पाइप काटने वाला, बिल्कुल, रॉड रोड काटने के लिए भी या सरिया काटने के लिए लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर बेटा आप उसको गर्म कर दोगे बहुत ज्यादा तेज आंच पे ना, गैस चूल्हे पे या किसी भी उसमें क्या कहते हैं, जो वेल्डिंग वाली मशीन होती है जिसे फायर करके देते हैं वो, है ना, गैस वेल्डिंग वाले में, तो देखते हो ना एकदम लाल हो जाएगी, वो पत्ती लाल हो जाएगी हैक्सो ब्लेड की, लेकिन जैसे ही कलर तो चेंज हो गया, हुआ ना कुछ तो चेंज आया, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा तो फिर ऑटोमेटिक वो ब्लैक के ब्लैक कलर में आ जाएगा। तो इससे भी कोई नई चीज नहीं बनी, और हम चाहे तो रेड कलर फिर हट करके ब्लैक कलर में ही चेंज हो गया, तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ ना। फिजिकल चेंज का मतलब समझ लेना कि कभी भी कोई नई चीज नहीं बनेगी और हम उसको रिवर्स करके फिर उसी स्टेज में पहुंचा सकते, ठीक है। देखिए अब बेटा बात आएगी केमिकल चेंज की, फिजिकल चेंज हाथ उठाओ किसको किसको पूरी तरह समझ में आ गया, नहीं आया आपको, जिसको, कोई बात, ठीक है, और नहीं आया हो, अब नहीं आया होगा तो बताना मेरे को, ठीक है। अब केमिकल चेंज पे कर चलते हैं, मैंने वीडियो भी बना दी है आपके लिए, बना रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको पढ़ा भी रहा है, और उसके बाद भी दिक्कत होगी नोट्स लिखने के बाद तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए रेड कलर रहेगा उसका, अब जैसे ही आंच हटा दोगे तो थोड़ी देर तक तो रेड रहेगा, उसके बाद चाहो ठंडा कर दो तो ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो होगा ना, लेकिन कलर वही आ जाएगा, बिल्कुल कलर कभी नहीं उसका अलग चेंज होगा, वही सेम चेंज कलर होगा, ठीक है ना।
अब बेटा हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा समझना भी है इसको अच्छी तरह से, कि दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिससे कोई नई चीज बन के आए, जब चेंज हो तो कोई नया चीज बनेगा तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। अब केमिकल चेंज को बेटा हम लोग परमानेंट चेंज भी कहते हैं, और फिजिकल चेंज को क्या कहते थे, इसको परमानेंट कहते थे, और उसको क्या कहते थे, टेम्पररी। टेम्पररी कहते थे ना, फिजिकल चेंज को टेम्पररी मतलब थोड़े समय तक होने वाला चेंज, और केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज कहते हैं मतलब लंबे समय तक होने वाला चेंज, रहने वाला चेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, अब द केमिकल चेंज आर परमानेंट चेंज विच कैन यूजुअली नॉट बी रिवर्स। और केमिकल चेंज में है ना, जैसे पहले रिवर्स हो जाता था ना, जैसे मान लो कि बर्फ से आपने आइस से या बर्फ से अगर वाटर या पानी बनाया था, तो फिर वाटर या पानी से आप फिर आइस से या बर्फ बना सकते थे, ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो चीज बन गई वो कभी भी पहले फॉर्म में चेंज नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो दूध से दही बन गई, मिल्क से कर्ड बन गया, तो क्या दही से कभी दूध बना सकते हो? नहीं बन सकता, पहली बात। तो ये क्या परमानेंट चेंज हो गया ना, इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल हो गया, मतलब कि दोबारा बदल के अपने पहले वाले रूप में नहीं आएगा, ठीक है। और इसको केमिकल चेंज इसलिए भी कहा गया क्योंकि इससे एक नई चीज बनी, दूध से एक नई चीज बनी ना, उसका कलर भी थोड़ा अलग हो सा हो जाता है, कलर ना भी अलग हो लेकिन उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, स्मेल अलग हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, पहली बात कि एक नई चीज बनती, एक या एक से अधिक नई चीजें बनेंगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या बेटा, वो गेट खोल दो ताकि भभका ना रहे, अंदर की तरफ गेट खोल दो। बस बस आ जाओ बैठ, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि उससे एक न्यू चीज बनेगी, एक या एक से अधिक न्यू चीज बन सकती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, और वो क्या होता है, परमानेंट चेंज भी होता है, कभी भी दोबारा वो बदल नहीं सकता, ठीक है। अ केमिकल चेंज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना, वही तो बोला ना मैंने, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध तो कभी नहीं बन सकता, रिवर्स हो ही नहीं सकता। अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एक्सेट्रा इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होता है तो हीट लाइट एनर्जी या तो ज्यादा से ज्यादा, पहले वाले में तो बहुत कम हीट या लाइट की इसकी एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस वाले में ज्यादा से ज्यादा हीट और लाइट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। साउंड में भी प्रोड्यूस ने केमिकल चेंज, जब भी केमिकल चेंज होता है तो कोई ना कोई साउंड भी प्रोड्यूस होती है, सब केस में नहीं, कुछ केसेस में होती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ इन अ केमिकल चेंज, ठीक है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो पहली वाली चीज से जो दूसरी चीज बनेगी ना, उसमें कुछ ना कुछ उसके टेस्ट में और स्मेल में, मतलब कि गंध में और स्वाद में कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। अब बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, कागज को बेटा ये हम पेपर लें और इसको जला दें तो ये केमिकल चेंज कहा जाता है। केमिकल चेंज क्यों कहा जाता है, ये बर्निंग ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, क्योंकि अब पेपर जल गया तो राख हो गया, ऐश हो गया, अब उससे दोबारा तो हम लोग पेपर नहीं बना सकते, रिवर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके कलर में भी चेंज आ गया, हुआ ना, और साथ ही साथ एक नई चीज बनी, पेपर से हट के अलग चीज बन गई राख, वो कार्बन कार्बन केवल रह गया और सारी चीजें उसकी निकल। The burning of any substance is a chemical change. तो कभी भी कोई चीज जो जलती है, कोई भी चीज, कपड़ा जल जाए, पेपर जल जाए, आदमी जल जाए, है ना, हम लोग मरने के बाद तो आदमी का दाह संस्कार तो करते ही, तो ये सारे के सारे केमिकल चेंज ही कहे जाए। अब बेटा केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे देखो मैं यहाँ
वीडियो में आप लोग को दिख जाएगा, मैं सर्कल लगा रहा हूँ सारा का सारा, आप लोग घर पे एक बार जरूर पढ़ लेना ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं हमारे आसपास, मोस्टली सारे इसमें दे ही रखे होंगे। देखिए पहला तो दूध से दही का बनना केमिकल चेंज, उसके बाद खाने का पक जाना, मान लो कि घिया तोरी आलू मम्मी काट के रखे टमाटर लहसुन प्याज, तो क्या सब्जी पक जाएगी? नहीं होगा ना, उसमें आप हीट दोगे फिर ऑयल दोगे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कुक होगा फिर पकेगा तब मिलेगा। तो मतलब कि कुकिंग ऑफ फूड मतलब खाने का पकना भी एक तरह से केमिकल चेंज ही कहा जाता है, ठीक है? ओके स्पॉयलेज ऑफ फूड, खाने का सड़ जाना, बेटा खाना अगर बाहर रहे तो क्या होता है, सड़ जाता है ना। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब बैक्टीरिया जो होता है ना हवा में उसको सड़ाने का काम करेगा, सड़ने के बाद क्या होगा उससे बदबू या गंद भी आती है ना, और टेस्ट तो कोई करता ही नहीं, तो बहुत गंदा होता है। चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, अब जैसे ब्रिंजल कोई सब्जी या एप्पल को जो आप कट करोगे और ऐसे ही ओपन एयर में रख दो थोड़ी देर में ना, उसमें लाल लाल सा उसके ऊपर लग जाता है, लगता है ना कि थोड़ा सा काटा हुआ पुराना सा हो गया, तो वो भी केमिकल चेंज ही है। ये सारी चीजें और इसमें बहुत सारी चीजें बेटा आप पढ़ लेना। हेलो हेलो, हाँ जी ठीक जी। नहीं मैं तो इन सूट पे हूँ, ओके ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं मैं साइड में बिठा दूंगा, कोई समस्या नहीं। हाँ आदत नहीं है ना भाई कोई, इसलिए कोई बात ना भाई साहब, मैं मैनेज कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक ओके। बेटा द स्पॉयलेज ऑफ फूड मतलब खाने का सड़ जाना एक केमिकल चेंज कहा जाएगा, ठीक है? सो द चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, एप्पल अगर कट करें स्लाइस उसके कट कर देना तो उसमें लाल लाल सा हो जाता है ना, तो वो भी केमिकल चेंज ही माना जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ा जो केमिकल चेंज हमारे आसपास होता है बेटा वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाने का काम। पेड़ पौधे क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, सूरज से सन की लाइट लेते हैं, सूरज की रोशनी, ठीक है? और जड़ों से नीचे जड़ उसके पानी दे देते हैं, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये सब मिल गई ना, ठीक है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो किससे मिल गया, H2O मतलब कि वाटर से, ठीक है? और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या बनता है बेटा, इस तरह हो जाने पे इनके मिलने पे क्या बनता है, सबसे पहले तो बनता है फूड, खाना पकता है उनका। और उस फू वो फूड किस रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में, मतलब कि पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से जो जाता है वो पानी वाटर और सनलाइट सूरज से लेकर के पत्तों में जो खाना बनाते हैं वो किस रूप में बनता है, उसको उस फूड का नाम होता है स्टार्च, ठीक है ना? और स्टार्च अलग अलग तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये सब स्टार्च के ही रूप होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? आया समझ में? नहीं तो मतलब बेटा जो खाना बनाते हैं ना, जैसे फल आप खाते हो, गेहूं की बाली में गेहूं के दाने लग गए, गेहूं पीस के रोटी बना ली आपने, चावल बेटा खाते हैं हम लोग, आलू पटेटो खाते हैं, आलू खाते हैं ना वो हो गया, कोई फल खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, खाने से ग्लूकोज मिलता है हमें, ठीक है? पोटैटो खाओगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वही क्या होता है, स्टार्च होता है, उसको खाने से ताकत मिलती है ना, तो जो न्यूट्रिशन या पोषण उसमें होता है उसका नाम स्टार्च है, ठीक है? आया समझो? हमारे बॉडी के अंदर बेटा जो डाइजेशन का काम होता है, खाना पकने का काम होता है, उसको भी क्या कहते हैं, केमिकल चेंज ही है।
क्योंकि हमारे पेट के अंदर जैसे ही खाना जाता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस और केमिकल एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करती है, उसको पचाती है, तोड़ती है, और तब जाकर के वो खाना पच पाता है। बात समझ रहे ना? तो डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर जो डाइजेशन होता है, खाना का पचने का काम होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग को रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप है ना घर पे जाके देख भी लेना और समझते भी जाना। देखिए उसके बाद द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क, जैसे मान लो कि जो पटाखे होते हैं ना जलते हैं, पटाखे हम लोग जला देते हैं, विस्फोट कर देते हैं, इज अ केमिकल चेंज बिकॉज मेनी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क आल्सो प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस। दीज अनप्लीजेंट गैसेस पोल्यूट द एयर अराउंड अस। जब पटाखा फूटता है तो उससे बहुत अलग अलग तरह की चीजें निकलती है ना, और उसमें एक लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है, अलग तरह की साउंड भी आती है, उसकी जो गैस निकलती है बहुत बदबू भी होती है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि अनार हमने जलाया और नाक से वो कितनी अच्छी खुशबू, अनार की खुशबू, ऐसा थोड़ी करेंगे, नाक ढक के भागते हैं ना हम लोग। कुछ बच्चे सूंघ भी सकते हैं, हम नहीं सूंघते। तो इस तरह के केसेस में हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों? अब देखिए कुछ एलिमेंट हैं, जैसे सुना ना मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, नाम सुना है ना कभी ना कभी आप लोगों ने, तो उसका कुछ नाम होता है केमिकल नेम, जो हम लोगों को इसी क्लास में सीख ले तो ज्यादा अच्छा है। इसको बेटा आप लोग याद भी जरूर कर लेना। जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg, ठीक है, आयरन के लिए Fe, क्योंकि आयरन को फेरस भी कहते हैं। ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ये कल मैं आप लोग से ओरल पूछूंगा, आप लोग याद करके आना, पक्की बात है। ये बॉक्स बना दिया, नोट्स चला गया बेटा, वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना। रात तक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, 8 बजे से 9 बजे तक। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है जब वो जलती है तो क्या होता है वो देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो होता है, जैसे ही उसको थोड़ा गर्म करेंगे तो वो हवा में जलने लगता है, ठीक है, और उससे व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, प्रकाश फैलता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस, thus a new substance is formed during the burning of magnesium ribbon. So the burning of magnesium ribbon is a chemical change. जब बेटा हम लोग केमिकल रिबन को जलाते हैं तो उससे क्या मिलता है हम लोग को, एयर विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट टू फॉर्म अ पाउडरी एस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी पाउडरी, फिर से सुन लो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलने के बाद जो राख बचती है ना एस, वो किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की, पाउडर के जैसा, तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। तो अब मैग्नीशियम की रिबन से जलने से नई चीज मिली ना हम लोगों को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाया और नई चीज क्या मिली, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली, और इसके जलने से व्हाइट कलर का लाइट भी निकला, प्रकाश भी निकला, तो हम इसको बेटा केमिकल चेंज ही कहेंगे। दैट्स अ न्यू सब्सटेंस। So the burning of magnesium ribbon is a chemical change. We can perform the magnesium ribbon activity as follows. हमको activity तो करनी ही नहीं। देखिए, baking soda और vinegar. Baking soda मतलब पता है जो खाने वाला सोडा है, घर में मीठा सोडा यूज करते हैं ना, खाने वाला सोडा जो मम्मी भटूरे वटूरे बनाते हुए तो यूज करती है, ठीक है। और vinegar मतलब कि सिरका, जब चाउमीन बनाते हैं ना तो व्हाइट कलर का लिक्विड जैसा विनेगर होता है, बढ़िया है। तो मान लो बेकिंग सोडा है और उसको विनेगर में मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, आई डोंट नो, दिखाते हैं। दिस सॉरी, व्हेन बेकिंग सोडा एंड विनेगर आर मिक्स टुगेदर देन बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज फॉर्म। तो जैसे उसे मिलाएंगे ना तो बुलबुले निकलने लगेंगे, ठीक है। वो बुलबुले किस चीज के होंगे,
सीओ टू या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। आ रहा है समझ में बेटा? खाने वाला सोडा जानती हो, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, नहीं देखा कभी? मिठाई उठाई बनती है, या मान लो जब वो क्या कहते हैं भटूरे बनाते समय मम्मी डालती होगी फूलने के लिए, अच्छी तरह से भटूरे फूले, तो वो बेकिंग सोडा होता है। और वेनेगर क्या होता है, व्हाइट कलर का पानी नहीं होता, पानी के कलर का होता है, जब चाउमीन बनाते हैं तब डालते नहीं, तो अचार बनाते, सिरका, सिरका समझती है, खट्टे खट्टे कलर का, खट्टा स्वाद का, सॉरी कलर का, तो वो भी क्या होता है, वेनेगर होता है। तो उस वेनेगर में या सिरके में अगर आप ये बेकिंग सोडा मिला दोगे ना, डाल दोगे, तो क्या होगा, उसमें बुलबुले उठने लगेंगे, और बुलबुले किस चीज के होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। बात समझ में आ रही है अब? ठीक है। Formed along with some other substance, this carbon dioxide is an entirely new substance. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब जो बेकिंग सोडा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं था, वेनेगर था उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, लेकिन ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नई चीज बन रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो नई चीज बनी क्या कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर बुलबुले को हम दोबारा बेकिंग सोडा में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है ना? आया दिलीप समझ बेटा आपको, तुम्हें बेटा? ठीक। तो बेकिंग सोडा इज ए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है याद कर लेना आप लोग, सोडियम हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो बेकिंग सोडा तो हम लोग अपनी देसी भाषा में कह देते हैं ना, खाने वाला सोडा दे दो, धोने वाला सोडा दे दो। हाँ जनक भैया है, जाओ आप दोनों जा सकते हैं, आज यही इंट करते हैं। नहीं तुम तो रहे दो, तुम ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।